बाहर ही खड़े हैं। अभी जब कहेंगे तो लाना फोन कर देंगे। नंबर तो जैन में है ना ये? नंबर जैन में। अंतर्गत कस्बे का ही मामला है और इसमें हमारी जो कोतवाली दादरी पुलिस है उसके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है हमारे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दादरी राम सिंह जी के नेतृत्व में। इसमें असल में यहाँ पे गैंग इस तरह से काम कर रहा था कि वो एक सवारी बन के अपने ही एक वाहन में किसी व्यक्ति को, पहले उसका थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते थे कि इस व्यक्ति को कहाँ जाना है, उसी हिसाब से वो लोग अपनी तैयारी करते थे, उस व्यक्ति को एक गाड़ी में बिठा लेते थे। तो जो एक अनजान व्यक्ति होता था, बाकी इनके अपने गैंग के चारों लोग होते थे और ये गाड़ी में बिठा के उसे जब आगे ले जाते थे तो आगे फिर पुलिस का उसमें थोड़ा सा उन्हें ये डर दिखाते थे कि साहब आगे पुलिस की चेकिंग है, और इसी नाम पे अखबार फैला के उसमें जो भी उस व्यक्ति के पास होता था सामान उसे उसमें अखबार में बंद करा लेते थे और फिर उसे ये कह के उसे गाड़ी से उतार देते थे कि आगे अभी पुलिस की चेकिंग है, मुझे शक है कि जो मेरे साथ बाकी लोग बैठे हुए हैं इनकी चेकिंग करा दूं, आप अभी उतर जाओ। तो वो व्यक्ति उतर जाता था और ये अपना पैसा वैसा लेके चले जाते थे। कितने लोग थे, कितनी घटना को अंजाम अपन दे चुके थे? ये असल में कुल मिला के अभी हम लोगों ने चार लोग इसमें पकड़े हैं, चार लोग इस गैंग के सदस्य हैं। अभी जब इसमें पिछली परसों एक घटना हुई है उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो उसमें वादी के द्वारा जिसमें से जब उससे पूछताछ की गई और फिर इसमें जांच की गई तो पहले इसमें एक पकड़ा गया और फिर एक की निशानी पे बाकी सब लोग इसमें पकड़े गए हैं और इसमें एक गाड़ी भी बरामद हुई है वैगनार जिससे ये क्राइम करते थे। इसके अलावा इनसे असला बरामद हुआ है और जो इनके साथ अभी जो परसों वाली घटना है उस घटना में जो भी राशि गई थी वो बरामद हुई है और जो जिस व्यक्ति से लूट में उसका आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स गए थे वो सब भी इसमें बरामद हुए। आपराधिक इतिहास की बात करें तो क्या इनमें से एक अभियुक्त ऐसा है जो सौरभ नाम का है, ये